अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब साबिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डस्का थाना सिटी पुलिस की ईद उल फितर के मौके पर बिला तातल का रवानियाँ जारी हैं। सैकड़ों पतंगे, कातिल, डोर, शराब, वन वेलिंग, तेज रफ्तारी और साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 20 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। ईद उल फितर के तीनों रोड डस्का सिटी पुलिस ने DPO सियालकोट, DSP डस्का की हिदायत पर और SHO थाना सिटी डस्का आमिर अली शाह सिंधु की क़यादत में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कमर कसरी। SHO थाना सिटी डस्का आमिर अली सिंधु का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर में अमन अमान बरकरार रखना वाली तरजीह है। ईद उल फितर के मौके पर डस्का पुलिस ने 40 से ज्यादा शराब की बोतलें, 500 पतंगे, 45 केमिकल डोर, तेज रफ्तार वन व्हीलें और साउंड एक्ट के समेत 19 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को अदालत में बंद कर दिया है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। शहरियों ने थाना सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस को अमन अमान की फिजा बरकरार रखने पर खराज तहसीन पेश किया।